खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर तहसील क्षेत्र से है, जहां पर ग्राम आमका से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां पर रंजीत नामक युवक पर बीती 2 दिसंबर को गुलदार ने अचानक हमला कर दिया और जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, घटना से गुस्साए क्षेत्रवासियों ने वन विभाग पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए ये बताया है कि ये क्षेत्र में पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी गुलदार की अनेक घटनाएं सामने आती रही हैं। इसके संबंध में वन विभाग को हर बार ग्रामीणों द्वारा सूचित कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वन विभाग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। और इस संबंध में वन क्षेत्र अधिकारी ने मीडिया से रूबरू होकर ये बताया कि क्षेत्रवासियों द्वारा लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। वन विभाग लगातार गुलदार के हमले से बचाने को क्षेत्र में लगातार गश्त दे रहा है और जहां कहीं भी गुलदार के हमले की सूचना मिलती है वहां वन विभाग घायल को उपचार के लिए चिकित्सालय और पहुंचाते ही हैं और यदि संभव हो तो मुआवजा भी देता है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। गुरुद्वारा फरीदपुर गुरुद्वारा से आ रहे हैं से, तो अचानक पीछे से हमला कर दिया। हम इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह स्कूटी गिर गई, तो जब हम गिर गए तो उसको मेरे ऊपर रहा वो टीका, और उन्होंने मेरा हाथ वहाँ चलाया तो वो छोड़ के भाग गया। फिर थोड़ा हिम्मत करके हमने उठे और उसके थोड़ा टीके को खड़ा किया और खड़ा करके घर पर आए। उसके बाद ठीक मिल गया तो वहाँ पर हड्डी भी चेक हुई है, जो टाइम से घर पे आ गए हैं। रात ये दरवाजे खुले, रात ये दरवाजा अंदर कुत्ते के पीछे अंदर चला गया। छोटी बछिया थी दोबारा गाय का, बड़ी मुश्किल से रोल मचा करके उन्हें बचाया। तो पतरामपुर रेंज की ये क्षेत्र है, तो इसमें जो कि वन विभाग पिंजरा वगैरह लगाने चाहिए, इन्हें कुछ करना चाहिए इनका उपाय, जैसे कि जिससे कि अपना हमला ना कर पाए किसी पे। पहले भी घटना यहाँ पतरामपुर में 2-3 बार, कई बार हो चुकी है लगभग, तो ये आए दिन होती रहती है, कोई दिन जाता नहीं तो होते रहते हैं। गन्नों में आए हुए हैं गुलजार वगैरह, चीते वगैरह, तो इनकी बहुत बच्चों को, पढ़ने वालों को बड़ी दिक्कत आ रही है। तो हमला हुआ है, वो लड़का गुरुद्वारे से जा रहा था अपने घर की ओर और स्कूटी पे था, गुलदार ने अचानक उसके ऊपर बहुत घात लगाए बैठे गुलदार ने हमला कर दिया, तो हमले में वो काफ़ी गंभीर घायल हो चुका है और उसकी गले की हड्डी टूट चुकी है। तो प्रशासन से हम पहले भी बहुत बार कहा है, एडीएम साहब ने एक बार जनता दरबार लगाया था, उसमें भी हमने मांग उठाई थी कि इस गुलदार का इंतजाम करना चाहिए, पिंजरे लगाने चाहिए और गश्त करनी चाहिए। तो प्रशासन के कानों पर झूल नहीं रेंग रही बिल्कुल भी, प्रशासन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रहा। नहीं, ये तो कहना गलत है कि वन विभाग द्वारा प्रॉपर इंतजाम नहीं किया जा रहा है, वन विभाग द्वारा प्रॉपर जो है गश्त की जा रही है, और जैसे भी सूचना हमारे पास आती है कि गुलदार द्वारा सारे ग्रामीण को जो भी अटैक किया जाता है तो हमारे द्वारा तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित जो भी संबंधित उसको उपचार लिया जाता है, वो वहाँ पर नजदीकी जो चिकित्सालय है वहाँ पर ले जाए उपचार की जो प्रक्रिया होती है वो नियम अनुसार की जाती है।